उसका हिजर झूठ था या उसका वसल झूठ था, वक्त जो गुजरा था संग सारा का सारा झूठ था। मुझसे बिछड़ते वक्त रोया वो भी था बहुत, महज फरेब था सब उसका वो दर्द सारा झूठ था। फिर कुछ इस तरह बदला के जैसे जानता ही न था कभी, मिला जो था रस्ते में शायद वो फर्द ही झूठ था। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इट्स योर बाय सैम बैक इट अगेन विद न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपने मेरे स्टार्टिंग क्लिप्स देखे हैं, जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने आपसे शेयर किया है। और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज था कोई, उसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, काफ़ी कुछ हुआ मेरी लाइफ में और कुछ चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं लाइफ पे। तो ऐसा क्या मुझे करना चाहिए था? मुझे भी कहीं ना कहीं लगता कि ये मैंने गलत किया, और भी मेरे कई भाई होंगे जिन्होंने किया और जो भी अभी सिचुएशन में आएंगे। तो ये वीडियो देखें प्लीज़, ऐसा कुछ मत करें यार, खुद को हर्ट मत करें। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपका होगा वो आपके साथ रहेगा, जो नहीं होगा उसके लिए कुछ भी करोगे ना वो आपके साथ नहीं रहने। सीरियसली कुछ भी कर लोगे किसी के लिए, कोई आपका नहीं होगा जो नहीं होने वाला, चाहे आप उसके लिए जान छिड़क दो, कोई आपका नहीं होगा। और मैं इतना कहूँगा कि यार, अगर मैंने ये वीडियो शेयर किया है तो उससे ये नहीं है कि मैं कुछ शो कर रहा हूँ, ये था कि मेरी कुछ इंस्टा फैमिली को लेकर था। तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे व्लॉग ले आऊँ या कुछ वीडियो। व्लॉग तो मैं नहीं कहना चाहता इसको, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ पे है, जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपसे शेयर किया। और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बट अनजाने जाने में उस टाइम मुझे पता नहीं चला कि मैंने गलत किया। आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ होता है तो तुम प्लीज़ खुद को कभी मत हर्ट करना, क्योंकि यार जो आपका होगा ना वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, वो कहीं पे भी जाएगा वापस आ जाएगा। जो आपका है ही नहीं, आप उसके लिए कुछ भी करोगे, खुद को हर्ट करोगे, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारा नहीं होने वाला। फाइनली यही कहता हूँ कि यार, खुद के लिए जियो, किसी के लिए नहीं जियो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सभी। वो जो छूट गया मुझसे, किस्मत में ना था शायद, हाथों में हाथ तो था मैं, हाथों की लकीरों में ना था शायद। असल में जब हमारा पहली दफ़ा दिल टूटता है तो हमें लगता है हमारा हमेशा ही दिल टूटा रहेगा, कि हम हमेशा ही अफसरदगी में मुब्तला रहेंगे। मगर ज़िंदगी बहुत लंबी है दोस्तों, और आपका दिल अपने आप को मुरम्मत करना बखूबी जानता है। ये बार बार टूट सकता है और बार बार टूटने के साथ जुड़ सकता है। बिकॉज इन दी एंड इट्स ऑल गोना बी ऑल राइट, एंड इफ इट्स नॉट ऑल राइट देन इट्स नॉट दी एंड येट।